देश के कई राज्यों में अन्नदाता कुदरत की मार झेल रहा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ज्यादातर किसानों की फसलें या तो खेत में खड़ी हैं या फिर कटाई के बाद उन्हें खेत में रखा गया था, लेकिन आसमानी आफत ने सारी फसलें बर्बाद कर दी। किसानों ने माफ कीजिएगा, अब सरकारों से मदद की गुहार लगाई है और इसके बाद अलग अलग राज्यों की सरकारों ने किसानों को मदद देने का भरोसा भी दिया है। कहीं बारिश, कहीं ओले तो कहीं तूफान। कुदरत की मार से कराह उठे किसान। फसल पकने से पहले ही किसानों के अरमान पर गिरे ओले। बेमौसम बारिश, बर्बाद हुई अन्नदाता की रोजी रोटी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यूपी और दिल्ली समेत कई राज्यों में बेमौसम बारिश किसानों पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटी है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश की वजह से किसानों के खेत में तैयार फसल के गिरने से किसानों पर आफत का पहाड़ गिर पड़ा। खेतों में मक्का और गेहूं की फसल जमींदोज हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बर्बाद फसलों का सर्वे कराने और किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। हमने तत्काल जहां जहां ओलावृष्टि हुई टीमें सर्वे के लिए भेजती हैं। आरबीसी 64 के अंतर्गत राहत की पूरी राशि हम अपने पीड़ित किसानों को देंगे। उत्तर प्रदेश में भी किसानों पर बेमौसम बारिश की मार पड़ी है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल गिरने से किसान परेशान हैं। बेमौसम बारिश मटर समेत दूसरे तिलहनों की फसलों पर भी पड़ी है। बेमौसम बारिश से किसानों का यूपी और एमपी जैसा ही हाल हरियाणा में भी है। करनाल में हुई तेज बारिश के बाद घरौंदा अनाज मंडी में खुले में रखी सरसों की फसल पानी की चपेट में आ गई। किसानों ने मंडी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। भले ही किसान को सरकार मदद देने का पूरा भरोसा दे रही है, लेकिन किसानों की मेहनत पर कुदरत ने पानी फेर दिया है। किसानों को राज्य सरकार से मिलने वाली मदद कब तक मिलेगी? फसल नुकसान का सर्वे कब पूरा होगा? इस बारे में अब तक कोई पुख्ता समय सीमा तय नहीं की गई है, लिहाजा किसानों के जख्मों पर सरकारी मरहम कब लगेगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और बेमौसम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नासिक में अंगूर की फसल को भारी नुकसान हुआ है। नासिक से जी मीडिया संवाददाता योगेश खरी की रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में करीबन 32 कंट्रीज में अंगूरों का एक्सपोर्ट किया जाता है, वो नासिक जिलों से। और इसी नासिक जिले में बेमौसमी बारिश की वजह से अब अंगूर बाग जो है वो सकते में है। आप देख सकते हैं कि ये है काले अंगूर का बाग, जिसमें अंगूर जो है वो ब्लैक अंगूर, ब्लैक ग्रेप्स करके फेमस है, जिसे खाने के लिए कई अरब कंट्रीज जो है वो तरसती है, वहाँ पे उनके यहाँ पे ये भेजा जाता है। लेकिन आप बेमौसमी बारिश की वजह से देख सकते हैं कि किस तरह से अंगूर ख़राब हो गए हैं। बारिश लगने की वजह से उनका जो बढ़ना है वो बंद हो गया है, और जो अंगूर गोल और मीठे होने चाहिए तो वो मिठास उसकी कम हो गई है, और जिससे क्वालिटी जो है वो ख़राब दिखाई दे रही है, जिससे अंगूर की जो प्राइस है वो करीबन आधी हो चुकी है। 50 से 60 रुपए किलो ऐसे बेचते जाने वाला यह एक्सपोर्ट क्वालिटी का अंगूर आज 20 से 25 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। साथ साथ ग्रीन अंगूर जो है, जिसे टेबल ग्रेप्स के नाम से जाना जाता है, उनकी भी हालत जो है वो खस्ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंगूर छोटे छोटे रह चुके हैं, बाद में बढ़ने के जो आसार है इसमें दिखाई नहीं दे रहे। साथ साथ में जो बीमारी है वो उन पौधों पे दिखाई दे रही है, जिससे अब आने वाले दिनों में ये अंगूर की मिठास कम हो सकती है। साथ साथ ठंड जो है वो नासिक ज़िले में बढ़ गई है। करीबन 4-5 दिनों से देखें तो 13 से 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मिनिमम रह यहाँ पर आजकल हो रहा है, जिसकी वजह से अंगूर की बाग बचाना किसानों के लिए बड़ा मुश्किल बन रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बबन के साथ योगेश खरे, जी मीडिया, नासिक।
अब सरकार का ये कहना है कि फसल का नुकसान इतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करने के लिए आपको बाबा नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता सुनाते हैं। इसके शब्द इस तरह से हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म फसल क्या है। यानी लाखों हाथों के स्पर्श और हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुण मिलकर एक फसल बनती है, इतनी मेहनत लगती है। इस फसल को सींचने के लिए आसमान दिल खोलकर जब पानी बरसाता है तो किसानों की पीढ़ियां तर जाती हैं, जिंदगी तर जाती है। लेकिन विडंबना यह है कि अगर यही पानी बेमौसम बरस गया, बिन बुलाए आ गया, तो पीढ़ियां गुर्बत और चिंताओं की अंधेरी खाई में खो जाती हैं। बेमौसम बारिश की यही आफत इन दिनों किसानों की कमर तोड़ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर किसान के नुकसान की भरपाई कैसे हो? क्या सरकारी नीतियों में बदलाव करना होगा? क्या फसल बीमा से कुछ मुमकिन हो पाएगा? या फिर स्टेटस को ऐसे ही रख दें कि हर साल बेमौसम बरसात होगी, हर साल ओलावृष्टि होगी, हर साल सूखा पड़ जाएगा, हर साल बाढ़ आ जाएगी और इसी तरह से किसानों की फसल बर्बाद होती रहेगी? ये तो किसानों की नियति है। क्या इसे नियति का चक्र मानकर इसी तरह से छोड़ दिया जाए या फिर कुछ किया भी जा सकता है? और उस किए जाने में बीमा कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है या निभा रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कृष्णवीर चौधरी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। चौधरी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका आकलन, आपकी बातचीत हो रही होगी किसानों से, कितना नुकसान इस बार बेमौसम बरसात से हुआ है, फिर हम प्रयासों पर और क्या कुछ किया जाना चाहिए उस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल नुकसान इस बेमौसम बरसात से कितना हुआ है सर, क्या खबर मिल रही है आपको? देखिए, इसमें जो खेत में खड़ी हुई फसल है और जहां आंधी तूफान और ओला पड़ा है उसमें नुकसान बहुत हो रहा है। कुछ जिलों में ज़्यादा है, कुछ जिलों में कम है, ये तो स्थितियां उस पर है जितनी तेज़ी से हवा और ओला पड़ता है। जानकारियां ये आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में ये नुकसान, ये उत्तरी भारत में काफ़ी बड़े पैमाने पर किसानों को हो रहा है। जहाँ तक नासिक का अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, मेरी बात महाराष्ट्र हो रही थी, उनका ये कहना है कि साहब हमारे अंगूर के बगीचों को भारी नुकसान हुआ है। तो जब महाराष्ट्र में भी नुकसान है, उत्तरी भारत में भी नुकसान है, जहाँ जहाँ बारिश है, ओला जो पड़ा है उससे भी नुकसान हो रहा है। देखिए, जो फसल बीमा योजना को शुरू करने का उद्देश्य था वो बहुत साफ था कि किसानों का जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। अब पूरे गांव का नुकसान अब होगा तो वो फसल बीमा कंपनियां उसको भुगतान करती हैं, उसका जीपीआरएस सर्वे है, जियो टैगिंग है। मेरा तो बराबर यह निवेदन रहा है सरकार से कि हर किसान के हर खेत का बीमा उसी तरीके से हो जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल का, स्कूटी तक का होता है, तो उसको कवर नोट दिया जाए। अभी तक तो स्थिति ये है कि इन फसल बीमा कंपनियों की जो कार्यालय होने चाहिए वो ना ब्लॉक में है ना जिलों में है। तो उन परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो किसानों का एक ये भी शिकायत है कि साहब हमारा जो पिछले साल का नुकसान हुआ वो कंपनियों ने भरपाई नहीं किया। अब जैसे पंजाब की बात मैं करूं, पंजाब सरकार ने तो फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया अपने यहाँ, अब उनका क्या मानना है ये तो उनकी अपनी बात है, लेकिन जब नुकसान हो रहा है तो अब पंजाब के किसान की क्या गलती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने तत्काल अधिकारियों को नुकसान का जायजा लेने के आदेश दिए हैं, जो अपने अपने तहसील में, अपने अपने ब्लॉक के हर गांव में जहां नुकसान है उसका सर्वे करने के लिए टीम लगा दी गई। सर आपने सही कहा सर। सर मैं कृष्णवीर जी आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपने बड़ी मार्के की बात कही कि कई राज्यों में तो फसल बीमा लागू ही नहीं है। मैं थोड़ा सा अभी जो वस्तु स्थिति है, जो केंद्र सरकार ने कहा है, अभी केंद्र सरकार भी कह रही है कि साहब नुकसान कुछ तो हुआ है, उनको नज़र आ रहा है, लेकिन राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट जब मिलेगी उसका आकलन किया जाएगा और फिर उस हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।
अच्छा, मुआवजा भी दो तरह का है, एक राज्य सरकारें जो कि राज्य आपदा कोष से देती हैं जिसे SDRF कहा जाता है, और एक जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी कि NDRF के तहत देती है। अब मुआवजा तो हमने देखा है कि मुआवजा तो छिप नहीं सकता, सरकार घोषणा करती है, प्रावधान भी है तो मिल जाता है, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है सर, जिसको जिसने फसल बीमा लिया भी होता है उनको कागजी उलझनों में इतना उलझाया जाता है कि समय पर उन्हें क्लेम नहीं मिल पाता। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं किसानों की तरफ से, जो दर्द आता है, इस दर्द से आप कितना वास्ता रखते हैं? क्या आप इसकी ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं सर कि समय पर क्लेम नहीं मिलता, इसलिए क्या मतलब ऐसे बीमा का? मैं देखिए इस मुद्दे पर कई बार बीमा कंपनियों के साथ और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मैं ये कह चुका हूं कि इसका एक समय सीमा टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिन के अंदर किसानों को बीमा राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। होता क्या है कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा दे देती है, लेकिन कुछ प्रदेश सरकारें अगर अपना हिस्सा, आधा हिस्सा प्रदेश सरकार को वहन करना होता है, अगर वो अपना हिस्सा अदा नहीं कर पाते प्रदेश सरकार, तो वो मामला अटका चला जाता है। ये चीज़ों को समय के साथ एक लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी, जब तक हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे। और फिर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि हर खेत की फसल के नुकसान के लिए कवर नोट दिया जाए और उसके नुकसान की भरपाई उसी तरह की जाए जैसे बीमा कंपनियाँ दूसरे सामान की और दूसरी चीज़ों की करती है। कवर नोट नहीं मिलता, पैसा कट जाता है और उसके पास कोई सबूत नहीं होता। कई बार ये होता है कि किसान ने फसल कुछ बो रखी है और बीमा में बैंक ने जो है बीमा करा लिया और उसने कुछ और चढ़ा दिया, तो ये चीज़ें अब वो कहते हैं कि मिसमैच कर रही है साहब, फसल ये है खेत में और हमारे इसमें रिकॉर्ड में ये चढ़ा हुआ था। ये जो चीज़ें हैं ये नुकसानदायक बात है। तो मेरा तो मत बहुत साफ है कि हर खेत का हो और हर किसान को कवर नोट दिया जाए, एक समय सीमा तय की जाए कि इतने दिन के अंदर जो है भुगतान करने के लिए कंपनियां बाध्य होंगी। जब तक हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं करेंगे तो किसान के परेशानी होगी। अब आप एक बात बताइए, किसान ज़्यादा पैदा करे तब मरा, सूखा पड़े तब मरा, ओला पड़ा तब मरा, बाजार की ताकतें उसका शोषण अलग करती हैं, तो उसको तो चारों तरफ से मारा जाता है। आखिर क्या वजह है? आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो टमाटर बेचने के लिए किसान को मजबूर किया गया, और इधर जो गाजीपुर की मंडी और ये यूपी बॉर्डर की मंडी है वहां 24-25 किलो के टमाटर की पेटी पर कमीशन एजेंट 50 रुपए प्रति पेटी कमीशन ले रहा है, जिसे ना आंधी है, ना तूफान है, ना सूखा है, ना ओला है, ना खेत है, ना जुताई है, ना डीजल है, ना खाद है, ना दवाई है, जिसको कुछ नहीं करना। तो व्यवस्थाओं में सुधार जब तक नहीं होगा तब तक किसान ऐसे मरता रहेगा। आखिर कब तक इन पुरानी व्यवस्थाओं ने जिन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। मुझे दुख होता है अपने उन मित्रों पर जो ये कहते हैं कि साहब मंडी जो है जरूरी है। अरे मंडी जरूरी है, लेकिन किसान का बर्बादी का क्या हो, उसके लिए कौन अपराधी है? बाजार में जो शोषण किया गया उसके लिए कौन अपराधी है? प्रकृति की मार अलग, बाजार की मार अलग, हर तरीके से किसान परेशान है आज। बिल्कुल सर, आपने समय बिल्कुल आज है, सुधार की तत्काल आवश्यकता है। ये सुधार किस लेवल पर हो सर? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं कि एक फसल बीमा की प्रवृत्ति इस देश में आखिर क्यों नहीं है, क्यों हमारा किसान, जब बीमा जैसी सहूलियत मौजूद है तो फिर क्यों हमारा किसान बीमा नहीं ले रहा? पता चलता है कि बीमा वो लेता है उसको क्लेम नहीं मिलता है। अभी हमारी कई किसानों से बातचीत हुई, साफ तौर पर कपास का अगर कोई किसान महाराष्ट्र में कपास का बीमा लेता है, वहाँ पर ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, बेमौसम बारिश आ गई, फसल बर्बाद हो गई, साफ तौर पर दिख रहा है, उसके बावजूद उनको क्लेम नहीं मिलता। तो ये जो इग्नोरेंस है सामने से ही आखिर क्यों है? हम जब मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था सर, तो बड़े सिंपल डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हुए हैं। वो कहते हैं आप क्लेम फॉर्म भर दीजिए, आप लैंड रजिस्ट्रेशन पेपर्स दे दीजिए या पट्टा नंबर दे दीजिए, आप ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आधार दे दीजिए, बैंक डिटेल्स दे दीजिए, जो बुआई की डिक्लेरेशन है वो दे दीजिए। ऐसा लगता है कि बड़ी सिंपल चीज़ें हैं,
इतने कागजात जमा करने के बावजूद आखिर क्लेम क्यों नहीं सेटल होते हैं सर? क्या ये मानसिकता है, लापरवाही है, लाल फीता शाही है या हिटलर शाही है सर? ये कंपनियों का बदमाशी है, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं कि ये कंपनियों का फ्रॉड है। और ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो लाल फीता शाही की है, उनके साथ वो अपना मिली भगत करके इस तरीके से ये सब जो चल रहा है, इसी में सुधार की आवश्यकता है। उस जिले के, उस ब्लॉक के अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय करें प्रदेश सरकारें, और कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय करें प्रदेश सरकारें, तब वो समय के साथ जो है किसान के नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी तय की जाए, तभी बचेगा किसान। बट सर, ये जो पॉलिसी है, ये तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पॉलिसी है, उसकी छत्र छाया में सब हो रहा है, 2016 से चल रहा है। सरकार ने कहा कि आप जो है पॉलिसी ले लीजिए इंश्योरेंस कंपनियों से, उसमें लिस्टेड जो कंपनीज है उनका नाम भी दिया हुआ है, तो सरकार का पीछे से पूरा बैकअप है। और ऐसे में अगर सरकार की निगरानी के बावजूद अगर ये कंपनियां बदमाशी कर रही हैं, तो फिर सरकार कुछ क्यों नहीं कहती सर? देखिए, प्रदेश सरकारों का इसमें सबसे बड़ा अहम जिम्मेदारी आगे, अभी प्रधानमंत्री जी की आपने बात कही, उनकी नीति और नियत बहुत साफ है, वो किसानों के नुकसान से बचाने के लिए उन्होंने तो यहाँ तक प्रावधान करवाया कि अगर फसल कटने के बाद खेत में रखी हुई है और वो बरसात से खराब हो गई तो उसको भी भरपाई होगी। अगर फसल में पहले आप देखिए कि पहले के जो प्रतिशत था उसको घटा के उसको कम प्रतिशत किया गया, पहले ब्लॉक रखा गया होता था, उसे एक गांव की इकाई पे लाया गया है। स्थितियां ये है कि जो प्रदेश सरकार की मशीनरी है उसका इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है कंपनियों के साथ। नहीं नहीं सर, हम तो देखिए इसमें जो पूरी अवधारणा है प्रधानमंत्री बीमा फसल बीमा योजना की, जो पूरी अवधारणा है आपने सही कहा, बड़ी वृहद रखी गई है। इसमें चार तरह के लॉसेस को कवर करने की बात कही गई है। इसमें अगर लोकल कैलेमिटी, मतलब जैसे कि हेल स्ट्रॉम या लैंडस्लाइड की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसका उसका भरपाई होगा। दूसरा, जो बुआई से, प्लांटिंग से या अंकुरण से रिलेटेड जो रिस्क हैं वो इसके तहत कवर है। इसके अलावा जो खड़ी फसल है वो इसके तहत कवर है। और जैसा कि कृष्णवीर जी बता रहे हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि फसल कटाई के बाद भी अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी कवर है। लेकिन सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद बड़ा अच्छा सा लगता है ये देखने में और कागजों में बहुत खूबसूरत लगता है सर, इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। लेकिन एक किसान को जब अंत में क्लेम नहीं मिलेगा तो वो किसे कोसे, और उसका दर्द हर कोई जान रहा है, आपके माध्यम से सरकारें भी जान रही हैं, प्रधानमंत्री जी भी जान रहे होंगे, तो फिर आखिर एक्शन क्यों नहीं होता है सर? मेरा निवेदन प्रदेश सरकारों से ये है कि वो तत्काल उन कंपनियों की जिम्मेदारी और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करें कि 30 दिन के अंदर आप बीमा राशि अदा करेंगे जिन किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है, और अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो। क्योंकि क्या करेगा किसान, कहां जाके मरेगा, उसकी जेब में पैसा नहीं होगा, उसने कर्जा लेके फसल बोई है और फसल बर्बाद हो गई है, उसने बीमा करवाया अपनी फसल का, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया उनको प्रदेश सरकारें सहायता करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी उनके लिए कोई मदद नहीं करती, वो सिर्फ प्रदेश सरकारों पर निर्भर है या केंद्र सरकार की जो राशि होती है सहायता की एनडीआरएफ की, उस पर निर्भर रह जाता है। बिल्कुल सर, देखिए हम तो यही चाहेंगे कि इसका दायरा बढ़े, अब इसका फायदा चाहे इंश्योरेंस कंपनी को मिले, कानूनों में बदलाव, कानूनों में सुधार जरूरी है। हम तो वही कह रहे हैं सर, हम तो शुरुआत यहां से कर रहे हैं कि दायरा बढ़ाइए। दायरा तभी बढ़ेगा जब ये बीमा लोकप्रिय होगा, लोकप्रिय तभी होगा जब सही समय पर क्लेम सेटल होंगे, जब किसानों के सामने एक नज़ीर पेश होगी कि वो बीमा जब लेते हैं तो उसका फल भी उनको मिलता है, नुकसान की भरपाई भी उनसे होती है। और दूसरा, अगर प्राइवेट कंपनियों के लोग बदमाशी कर रहे हैं तो ठीक है, समझ में आता है कि चलिए उनको, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन यहाँ तो पीछे सरकार का, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मॉनिटरिंग है, और अगर दोनों की मॉनिटरिंग में अगर बीमा कंपनियां बदमाशी कर रहे हैं तो फिर सरकारी अधिकारी जो वहां पर मिले, वो मिली भगत जो कर रहे हैं अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं हुई तब तक मुझे लगता है कि ये जो फसल बीमा का जो पूरा का पूरा अवधारणा है देश में, ये पूरा वो साकार रूप नहीं ले पाएगी। बहरहाल,
हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां बेहतर हों, अच्छी हों, बदलें और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णवीर चौधरी जी, आपने वक्त निकाला। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, संवेदनशील विषय है, आपने ग्राउंड रियलिटी यहाँ पर रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए।